टोयोटा अपनी नई 7 सीटर एमपीवी को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि बेसिकली एक रीबैच्ड इर्टिगा होगी, जिसका लॉन्च 2022 के आने वाले कुछ महीनों में होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी गाड़ी के बारे में जानेंगे और इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम आते हैं गाड़ी के लुक्स पर। तो इस गाड़ी में हमको एग्जैक्ट सेम लुक्स मिलती है इर्टिगा वाली, केवल एक डिफरेंस मिलता है जो कि इसकी फ्रंट ग्रिल। तो इसमें हमको 3 स्लॉट वाली क्रोम की ग्रिल मिलती है, जिसमें टोयोटा का लोगो इंटीग्रेटेड है, जिससे आपको पता चल सके कि ये गाड़ी टोयोटा की तरफ से बेची जा रही है, बाकी है प्रोडक्ट मारुति का ही। और बाकी ग्रिल के अलावा इसमें हमको कोई डिफरेंस नहीं मिलता। इसकी हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, यहाँ तक कि इसके एलॉयज भी हमको सेम मिलते हैं 15 इंचेस के इर्टिगा वाले। गाड़ी का इंटीरियर लुक्स वाइज तो सेम मिलेगा, लेकिन फीचर्स वाइज इसमें हमको थोड़े डिफरेंस मिलने वाले हैं। जैसे इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन में हमको रिवर्स कैमरा और साथ में एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी मिलता है। गाड़ी में सारे यूजफुल फीचर्स जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल सीट्स, रियर एसी वेंट्स और रिवर्स कैमरा भी इसमें हमको मिलेगा। बात करें गाड़ी के इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की, तो टोयोटा रूमियन में हमको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो कि 103 हॉर्स पावर और 138 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और ये गाड़ी 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ इंडिया में अवेलेबल होगी। टोयोटा रूमियन का एक्सपेक्टेड प्राइस 8.7 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होगा और इसका टॉप मॉडल कॉस्ट करेगा अराउंड 10.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इंडिया। तो अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स पॉइंट्स के बारे में। पहला, ये गाड़ी काफ़ी फ्यूल इफिशेंट है, जो कि हमको काफ़ी बढ़िया माइलेज प्रोवाइड करेगी। दूसरा, ये गाड़ी काफ़ी स्पेसियस है, जिसमें आप 6-7 बंदों को आराम से बैठा सकते हो। तीसरा है कि ये गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जो कि इंडियंस की कंडीशन को फुलफिल करती है एक डिसेंट से प्राइस ब्रैकेट के अंदर। वहीं अगर बात करें इसके नेगेटिव्स की, तो इस गाड़ी में 2 नेगेटिव पॉइंट्स भी है। पहला कि इस गाड़ी में सेफ्टी थोड़ी बेकार है, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ फ्रंट एयरबैग्स मिलते हैं और वैसे भी है तो ये मारुति का ही प्रोडक्ट, जो कि फेमस है अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए। और दूसरा कि इस गाड़ी के एलॉयज काफ़ी छोटे साइज़ के हैं एज़ कम्पेयर टू गाड़ी का साइज़, जो कि सिर्फ 15 इंचेस के ही है, तो एटलीस्ट 16 या 17 इंचेस के तो देने ही चाहिए थे। तो ये थी नई टोयोटा रूमियन। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।